बुधवार को ताज का दीदार करने आए गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताज के दीदार के बाद करीब एक घंटे तक ताज परिसर में समय बिताने के बाद सेंट्रल टैंक पर भी कराया फोटो और फिर ताजमहल की पच्चीगारी और इतिहास को जानने में दिखाई दिलचस्पी। ताजमहल का दीदार करने के लिए गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ताजमहल पहुंचे। शिल्पग्राम के पास गोल्फ कोर्ट के द्वारा उन्हें ताजमहल ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल की नक्काशी से लेकर उसकी खूबसूरती देख गुआना के राष्ट्रपति खुश नजर आए। इस दौरान विजिटर बुक में उन्होंने ताजमहल को बेमिसाल भी बताया। गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली विशेष विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहां से लगभग 5:15 पर उनका काफिला बीआईपी रोड होते हुए ताजमहल पहुंचा। उसके बाद ताजमहल में प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया और फिर गोल्फ कोर्ट से वो अपने प्रतिनिधि मंडल दल के साथ ताजमहल पहुंचे। यहाँ पर गाइड नितिन द्वारा उन्हें ताजमहल के इतिहास और नक्काशी की जानकारी दी गई। मोहम्मद की निशानी ताजमहल को देखकर वह भी ताज की खूबसूरती के कायल नजर। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।